चैप्टर 11 परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज। अ परफेक्ट टेंसेज एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ऐसी एक्शन जो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुकी है टाइम के अंदर, तो इसको बोलेंगे हम परफेक्ट टेंस। लेट्स देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म बाय यूजिंग द सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म करेंगे हम कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट को प्लस ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड इन द इमीजिएट पास। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे कुछ ऐसी एक्शन हुई है जो कि ऑलरेडी कम्प्लीटेड हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। डिस्क्राइब एन एक्शन बिगिनिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, कुछ ही देर पहले तक वो कंटिन्यू थी लेकिन वो पास्ट में हो रही थी। ओके, तो हम वहाँ पर भी यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कुछ ऐसी एक्शंस होती है जो एक टाइम के ऊपर शुरू हुई थी पास्ट के अंदर और वो अभी भी कंटिन्यू थी कुछ देर पहले तक। ओके, सो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही हैज़ बीन विद अस सिंस ही वॉज बोर्न। जब से वो पैदा हुआ है वो हमारे साथ ही है। आई हैव बीन टू टोक्यो, में पहले से ही टोक्यो में हूँ। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द नेगेटिव इन प्रेजेंट परफेक्ट इज फॉर्म बाई यूजिंग हैज नॉट और हैव नॉट। ओके, नेगेटिव यूज नेगेटिव बनाना है अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैज नॉट या हैव नॉट का। जैसे शी हैज़ नॉट स्लेप्ट फॉर टू डेज। ओके, वो दो दिन से सोई नहीं है। इंटरोगेटिव का अगर हम इस्तेमाल करना है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो हम हैव या हैज का इस्तेमाल पहले ही कर लेंगे। एग्जाम्पल है, हैज़ शी रिप्लाई टू अवर क्वेरी। क्या उसने हमारी क्वेरी को रिप्लाई किया, क्या उसने हमारी प्रॉब्लम का रिप्लाई किया। द डब्ल्यू एच क्वेश्चन इन प्रेजेंट परफेक्ट इज फॉर्म बाई यूजिंग डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैव और हैज़। ओके, एग्जाम्पल, व्हेन हैव आई आस्क यू टू कम, मैंने तुम्हें कब बुलाया था। नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम वन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके, ब्रैकेट्स के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं तो उसका हमें यूज़ करना है ब्लैंक्स के अंदर। एग्जाम्पल एक लेते हैं, आई हैव ईटन विद चॉपस्टिक्स बिफोर, मैंने कुछ ही देर पहले चॉपस्टिक्स से खाना खाया था। नेक्स्ट, लेट्स लर्न प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शोज एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट। ओके, कुछ ऐसी एक्शन से जो पास्ट में शुरू हुई है, कुछ ऐसी हरकत, ओके, जो पास्ट में शुरू हुई है और प्रेजेंट तक चली है, ओके, या फिर चल रही है, अभी तक चल रही है। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इज फॉर्म बाई यूजिंग हैज हैव बिन। ओके, हम यूज़ करते हैं हैव, हैव बिन, हैज़ बिन। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू शो, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों को शो करने के लिए। जैसे एग्जांपल, समथिंग दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट टू दिस मोमेंट। ओके, कुछ चीज़ें जो एक टाइम के ऊपर स्टार्ट हुई है और वो अभी भी चल रही है। समथिंग दैट इज गोइंग ऑन इवन एट दिस मोमेंट। एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीन शाउटिंग फॉर द लास्ट 10 मिनट्स, वो 10 मिनट से चिल्ला रहा है। ओके, सो ऑल दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर आवर्स। ओके, कुछ घंटों से बारिश चल रही है। सो दिस इज द बारिश अभी भी चालू है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द नेगेटिव इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म बाय यूजिंग हैज नॉट या हैव नॉट। ओके, मेन वर्ब के साथ हम हैव नॉट या हैज नॉट यूज करते हैं। दे हैव नॉट बीन स्टेइंग हियर फॉर लॉन्ग। ओके, वो बहुत दिनों से हमारे साथ नहीं है। The interrogative in present perfect continuous form by beginning the question with have, has or have not, has not. Example, have you been hiding from the police? क्या तुम पुलिस से डर के छुप रहे हो? The W question in present perfect continuous form by using WH word plus have, has, have plus subject plus been plus present participle form of main verb. For example, what have you been discussing lately? कौन सी चीज़ के ऊपर तुम discuss कर रहे हो कब से? Okay? नाउ प्रैक्टिस टाइम टू, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए तो उसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना है। एग्जाम्पल, विक्रम इज परफॉर्मिंग वेल इन दिस सीजन। तो हम अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना है तो हम लगाएंगे हैज़ बिन। ओके, विक्रम हैज़ बिन परफॉर्मिंग वेल इन दिस सीजन। ओके, तो वो विक्रम इस सीजन या सेशन के अंदर परफॉर्म बहुत अच्छे से कर रहा है। ओके, तो अभी भी कर रहा है वो। ओके, पहले तो ये क्या था, विक्रम इज परफॉर्मिंग वेल इन दिस सीजन। विक्रम बहुत अच्छे से इस सेशन के अंदर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब से हमने हैज़ बिन लगाया तो वो क्या हो गया, विक्रम हैज़ बिन परफॉर्मिंग वेल इन दिस सीजन। विक्रम पहले से ही बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है इस सेशन के अंदर। ओके, सो ऑल दिस इज
Present perfect continuous tense sentences. Next, let's learn past perfect tense. Past perfect tense is used to describe an action that happened up to a time in the past. Okay, past perfect tense कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे कुछ actions हुई है जो कि past के अंदर हुई है और वो अभी नहीं चालू है. Okay, वो खत्म हो चुकी है. This is why a complete sentence may often have two different tenses. The past perfect referring to the action that took place first, and the simple past referring to the action that followed. The past perfect is formed by the auxiliary verb had. Okay, had lagega plus past participle form of main verb lagega. For example, Teresa wasn't at home. Teresa घर पे नहीं थी. She had gone shopping. Okay, वो shopping पे गई है. Okay, तो ये example बाद में जो लगा है वो क्या है? Past perfect का example है. I washed the पार्टवे आफ्टर द डस्ट स्टोम हैड सबसाइडेड. ओके, मैंने पार्टवे को वॉश किया. मैंने उस गैलरी के अंदर उस चीज़ों को वॉश किया और उसको डस्ट करके डाल दिया. ओके, सो दिस इज लाइक दिस एग्जाम्पल ऑफ मैंने कुछ चीज़ें की और मैंने उसको बाद में ख़त्म कर दी. ओके, लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट. Formation of sentences in past perfect tense. The negative in past perfect is formed by using the auxiliary had not. Okay, had not लगेगा, हमें पहले से पता है. Like that, we had not seen this part of the town before. The interrogative in past perfect, okay, यहाँ पे had not लगेगा. Had they packed the lunch before leaving? The WH question in past perfect is formed by using WH word plus had plus subject plus past. Where had she traveled before settling here? Okay, all this is an example of formation of sentences in past perfect tense. Next, practice time 3. ब्रैकेट्स के अंदर दिया हुआ है ऑलरेडी. ओके, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे सेंटेंस बनाना है. आई वॉज वॉशिंग द फ्लोर वैन द डोर बेल रैंग. आई वॉज, ओके, अगर हमें यहाँ पे हमें नेगेटिव बनाना है तो हम नॉट यूज़ करेंगे आई वॉज नॉट वॉशिंग द फ्लोर वैन द डोर बेल रैंग. ओके, तो उसके हिसाब से. नेक्स्ट, लेट्स लर्न पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड वॉज स्टिल इन प्रोग्रेस व्हेन अ सेकंड एक्शन बिगिन. ओके, कुछ एक्शंस हुई है जो पास्ट में स्टार्ट हुई है और अभी भी चल रही है और दूसरी एक्शन के चालू होने से पहले. वॉज स्टिल इन प्रोग्रेस व्हेन अ सेकंड एक्शन बिगिन. ओके, फिर से ले लेते हैं. कुछ ऐसी एक्शन है जो स्टार्ट हुई है पास्ट के अंदर और वो अभी भी चल रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी एक्शन आ गई कि वो रुक गई. ओके, बोथ एक्शंस बिगन एंड एंडेड इन द पास्ट. ओके, तो कुछ चीज़ें शुरू हुई और वो बाद में ख़त्म हो गई, लेकिन दूसरी एक्शन के आने के बाद. कुछ चीज़ें शुरू हुई थी और वो ख़त्म हो गई दूसरी कोई एक्शन की वजह से या उसके बाद. द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इज फॉर्म बाई यूजिंग ऑक्सिलरी हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मीन. फॉर एग्जाम्पल, Hari had been singing for 10 minutes when the microphone started giving trouble. Okay, example लेते हैं कि हरी ने जब गाना शुरू किया 10 मिनट तक, तो जब लेकिन जब तक वो गा रहा था तब तक उसका जो माइक्रोफोन है वो उसको बंद हो गया. ओके, लाइक दैट. ओके, माइक्रोफोन उसका शुरू हो गया. ओके, ख़राब होना शुरू हो गया. हरी हैड बिन सिंगिंग फॉर 10 मिनट्स. ओके, हरी 10 मिनट से गा रहा था लेकिन उसका जो माइक्रोफोन था वो ख़राब हो गया. लाइक दैट. ओके, It had been raining for 4 days. All the streets were flooded. 4 दिन से बारिश हो रही है और जितनी भी स्ट्रीट्स है वो क्या हो गई है? पानी से भर गई है. फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या कैसे फॉर्मेशन होगा सेंटेंस का? अगर नेगेटिव है तो हम हैड नॉट, बिन, हैड नॉट तो लगाएंगे, बिन भी लगाएंगे साथ में. ओके, क्योंकि ये कंटिन्यूज है. ओके, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि चालू हुई थी और वो ख़त्म हो गई एक दूसरी एक्शन के आने की वजह से. दे हैड नॉट बीन कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द एक्टिविटीज़. वो अपनी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे हैं. नेक्स्ट, अगर इंटरोगेटिव है तो हम पहले ही लगा देंगे हैड. ओके, हैड बिन, हैड आई बिन कंप्लेनिंग अबाउट द फूड क्वालिटी. क्या मैंने कभी फूड क्वालिटी के बारे में कंप्लेन किया? द डब्ल्यू एच क्वेश्चन इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इज फॉर्म बाई यूजिंग अ डब्ल्यू एच वर्ड फॉलोड बाई हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. Where had he been working all this while? Okay, so this is the example of formation of past perfect continuous tense. Next,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. ओके, यहाँ पे वर्ब्स दिए हुए हैं ब्रैकेट के अंदर, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे बनाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. वेयर हैड यू बिन थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग द होटल. ओके, ऑल दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. नेक्स्ट, लेट्स लर्न फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज टू एक्सप्लेन एन एक्टिविटी दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. ओके, कुछ ऐसी एक्शन जो स्टार्ट हुई है और वो कंप्लीट होने वाली है आने वाले टाइम के अंदर. वी यूज टाइम एक्सप्रेशंस लाइक द बाय द टाइम, बाय देन, बाय 2021, बाय जनवरी एंड एक्सेट्रा टू डिनोट फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, फ्यूचर परफेक्ट इज फॉर्म बाय यूजिंग विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. एग्जाम्पल, आई विल हैव कम्प्लीटेड दिस वर्क बाई इवनिंग. मैं रात होने तक अपना वर्क कम्प्लीट कर लूँगा. लाइक दैट. ओके, फॉर्मेशन के बारे में हमें पता ही है कि हम क्या क्या लगाएंगे. ओके, सो यू हैव टू रीड वन टाइम. नेक्स्ट, लेट्स लर्न फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल ऑलरेडी हैव स्टार्टेड एंड विल स्टिल बी हैपनिंग एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. ओके, कुछ ऐसी एक्शन से जो स्टार्ट हुई है और वो आने वाले फ्यूचर के अंदर भी चलती रहेगी. ओके, या फिर चलेगी. टाइम एक्सप्रेशन सच एज फॉर 10 मिनट्स, सिंस, 9 o'clock. ओके, तो हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं. लाइक दैट, आर यूज टू डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ टाइम दैट द एक्टिविटी हैज बीन गोइंग ऑन. ओके, हम कुछ लेंथ बना देते हैं टाइम की. ओके, उसके हिसाब से हम वर्ड्स यूज करते हैं. द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इज फॉर्म बाई यूजिंग विल प्लस हैव बीन. ओके, हम विल हैव बीन का यूज करते हैं. By the time they get here, we'll have been working for almost 2 full days. जब तक वो आ जाएंगे यहाँ पे, हम 2 दिन तक लगातार काम कर रहे होंगे. By December, Atul will have been running that store for 4 years. जब तक December आएगा, okay, Atul उस store को चला रहा होगा 4 साल तक. ओके, लाइक दैट हम फिर से लेते हैं. बाय दिसंबर अतुल विल हैव बीन रनिंग दैट स्टोर फॉर 4 years. ओके, जब दिसंबर आएगा तो अतुल को 4 साल हो जाएंगे उस स्टोर को चलाने के लिए. ओके, मीन्स अतुल को 4 साल हो जाएंगे दिसंबर के अंदर. लाइक दैट. ओके, सिंपल ले लेते हैं. ओके, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फॉर्मेशन कैसे होती है? ओके, हमें एक बार रीड करेंगे तो हमें अंदाजा आ जाएगा. नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम 5. यहाँ पे वर्ब्स के हिसाब से हमें फ्यूचर परफेक्ट बनाना है. नेक्स्ट, ओके, सो अब एक्सरसाइज ही बची है. ओके, तो आप लोग कंप्लीट कर लो. ओके, और वन टाइम रीड कर लो अगर समझ ना आ रहा हो तो. ये चैप्टर इज फिनिश्ड.